ये रिलेटेड है सारे वर्ड्स किससे? मैरिज से। ये मैरिज से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनको आप देखिए। सबसे पहले देखो इसमें आ गया बाईगैमी। बाई वर्ड जो आएगा बी आई जहां भी आ जाए उसका मतलब टू। मोनो का मतलब, हाँ यस बाइनरी, मोनो का मतलब हो गया वन और बाई का मतलब हो गया टू और पॉली का मतलब हो गया मेनी, तीन। तो ऐसे रूट आप दिमाग में रखे रहिए, ठीक है? यानी जहां ये आए इसका मतलब दो की बात हो रही है। जैसे यहां आ गया बाईगैमी का मतलब क्या हो गया? एक आदमी जिसके दो हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है, दो पति या दो पत्नी वाला जो भी हो उसको क्या कहेंगे? बाईगैमी। दोनों के लिए यूज होगा। मान लो यहां बाई एंट्री उसे हमने बनाया है, ये वर्ड मैंने क्रिएट किया कि यदि बाईगैमी हो सकता है तो बाई एंट्री क्यों नहीं होगा? तो यदि दो पत्नी वाला है तो बाई टू पत्नी वाला हो गया तो उसको बाईगैमी कह दो, और दो पतियों वाली हो गई तो बाई एंट्री कह दो, ठीक है? अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है जो स्टेट ऑफ नॉट मैरिड। वो बैचलर और सेलिबेसी अलग अलग वर्ड्स हैं। स्टेट ऑफ अनमैरिड, जैसे सेलिबेसी, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी जब जो है शादीशुदा ना हो, शादी ना हो, उसको सेलिबेसी का मतलब हो गया ब्रह्मचर्य, इसको लिख सकते हैं। मीशोगैमिस्ट, मीशोगैमिस्ट, मीशोगैमिस्ट का मतलब क्या हो गया? वही जो डरता है शादी से ना, जो शादी से डरता है उसी को कहते हैं क्या? फियर ऑफ मैरिज ना। मैट्रिमोनी का मतलब हो गया मैट्रिमोनियल। आपसे पूछा जाता है, आप इंटरव्यू में जाए आप अपनी मैट्रिमोनियल स्टेटस बताइए, मतलब वैवाहिक स्थिति बताइए। तो वैवाहिक स्थिति क्या है? कि आपने शादी की है अथवा नहीं की है। की है तो किससे किया है, वो क्या करती है, पूरा मैट्रिमोनियल स्टेटस। कभी कभी तो फॉर्म वगैरह जब भरने जाइए तो उसमें पूछा जाता है। जैसे आप वो बायोडाटा वगैरह बनवाते हो, बायोडाटा या रिज्यूम बनवाओ, तो उसमें रहता है मैरिटल स्टेटस दिखाना पड़ता है, आप शादीशुदा हैं अथवा अनमैरिड हैं। तो मैरिटल स्टेटस में वहाँ भरना होता है कि मैरिड अथवा अनमैरिड। यदि मैरिड है भाई, यदि इसीलिए मैरिड मैट्रिमोनी जो है वो मैरिटल स्टेटस, बीइंग मैरिड यानी शादी होने की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बाद में दिखाया जाता है ना, उसमें फिर भरेंगे मैरिटल स्टेटस दिखाएंगे, वो अपडेट हो जाता है। क्या है मोनोगैमी का मतलब, आप समझ ही रहे हैं। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, गैमी यानी औरत के लिए, तो मोनोगैमी यानी जिसकी औरत सिंगल हो, कोई एक औरत से एक ही पत्नी हो, तो उसको मोनोगैमी कहते हैं। और पॉलीगैमी का मतलब होता है मेनी, ये हो गया वनली, और पॉली का हो गया मेनी, एक से अधिक जिसकी औरतें हों उनको पॉलीगैमी कहते हैं। और मोनो एंड्री यानी एक हस्बैंड, ठीक है, वनली हस्बैंड, यदि किसी एंड्री का मतलब हो गया हस्बैंड से पुरुष, एंड्री मतलब मेल, एंड्री माने मेल और गैमी माने फीमेल, यही है ना। गैमी का मतलब हो गया फीमेल और एंड्री का मतलब मेल। तो एक मेल यानी एक पुरुष जिसका हो उसको क्या कहेंगे? मोनो एंड्री। एक से अधिक पुरुष हैं तो पॉली एंड्री, और दो पतियों वाली हो तो बाई एंड्री, ठीक है। और यहां एक वर्ड है स्पिनस्टर, ध्यान दो। स्पिनस्टर का मतलब क्या होता है? ये हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसी औरत जो अधिक बूढ़ी हो गई है उसकी शादी नहीं हुई है, यानी उम्र दराज औरत जिसकी शादी ना हुई हो उसको क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं स्पिनस्टर, ठीक है। अब जैसे कोई लड़का है उसकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, ठीक है, और यदि कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई तो वर्जिन, ठीक है, कुंवारा कुंवारी नहीं कहते, वही है।
तो इस तरह के वर्ड्स बनते हैं, ये शादी से रिलेटेड यानी शादी से संबंध बताने वाले वर्ड्स हैं कि शादी के लिए कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जा सकते हैं।